हेलो गाइस, राधे राधे, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं कुछ नए तरीके से लड्डू गोपाल जी का ड्रेस और कैप बनाना बताऊंगी। ये मैंने साड़ी के बॉर्डर से बनाया है ये ड्रेस। तो यहाँ पे मैंने 6 नंबर के कान्हा जी लिए। ड्रेस हम 5, 6 और 7 को आसानी से पहना सकते, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है गाइस। पूरे वीडियो में मैंने स्टेप बाय नाप लेकर बताया है गाइस। तो ये हमारी प्यारी सी कैप, तो कैसे लग रहे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ज़्यादा पसंद आए तो अपने मित्रों में वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखिए गाइस, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी, और इसका लुक भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाते समय साड़ी की बॉर्डर बच गई थी, तो उसका मैंने ये बाल गोपाल जी का ड्रेस बनाया है। तो देखिए गाइस, एक साड़ी में से मैंने 2 ड्रेस बनाए, एक शॉर्ट ड्रेस और एक लॉन्ग कुर्ती बनाई है, और बहुत ही प्यारा सा लुक है। और साड़ी कॉटन की थी, तो मैंने सोचा कि चलिए बाल गोपाल जी का एक ड्रेस बना लेते हैं। तो पहले हम बनाएंगे कैप। तो इसकी लंबाई है 5.5 इंच और चौड़ाई इसकी 3 इंचिस है। बहुत ही इजी तरीके से आपको कैप बनाना बताऊंगी। तो सीधा भाग मैंने अंदर की तरफ रखा है, और दोनों किनारों पर हम इस तरह से टीच कर लेंगे। एक्स्ट्रा अस्तर का कपड़ा हम केसी से कट कर लेंगे। गाइज, मैंने और भी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के अलग अलग तरीकों से ड्रेस और ज्वेलरी बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरह से हमें सीधा कर लेना है, फिर इनके ऊपर हम टॉप टीच लगा देंगे, यानी कि प्रेस टीच लगा देंगे। इस तरह से टीच करने से हमारा कपड़ा बैठ जाता है, कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो कुछ इस तरह से हमें 2 बार फोल्ड करना है, और वी शेप में हमें कट कर लेना है। तो देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम दोनों साइड इस तरह से टीच कर लेंगे। आप चाहो तो बाल गोपाल जी का नाप लेकर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 उंगली का नाप लूँगी, तो बाल गोपाल जी का सिर आ जाता है गाइस। देखिए, थोड़ा ढीला लग रहा है, तो फिर से हम थोड़ी टीच कर लेंगे, तो पक्की फिनिशिंग आ जाएगी गाइस, और एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे। तो देखिए गाइस, है ना इजी तरीका। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे और अच्छी तरह से वी शेप कर लेंगे। तो ये ट्रायंगल में हमारी कैप बन के रेडी है। कितनी प्यारी लग रही है गाइस। ड्रेस बनाते समय इतनी साड़ी की बॉर्डर बच गई है, तो इससे हम बाल गोपाल जी का ड्रेस बनाएंगे, घेरा बनाएंगे, और भी मैं एक छोटा ड्रेस भी बनाऊंगी इसमें से, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो इसकी लंबाई है 34 इंचिस। अस्तर के हिसाब से ही हम साड़ी का बॉर्डर यूज़ करेंगे, और चौड़ाई इसकी 4.5 इंचिस है। अब हम सीधा भाग पहले देख लेते हैं। तो ये सीधा है, और इनके ऊपर हम इस तरह से अस्तर रखेंगे, और तीनों साइड हम टीच कर लेंगे, और हमारी पूरी ड्रेस की कवर सिलाई हो जाएगी इस तरह से टीच करने से गाइस। और जो एक्स्ट्रा साड़ी का बॉर्डर है वो मैं कट कर लूँगी, और इसको हम पलट लेंगे, यानी कि सीधा कर लेंगे। अब हम टॉप टीच लगा देंगे, यानी कि प्रेस टीच लगा देंगे, ताकि हमारा कपड़ा अच्छी तरह से बैठ जाएगा और प्लेट्स में कोई झोल नहीं पड़ेगा। और अच्छी तरह से पहले हम सेट कर लेंगे। ऊपर जो साड़ी का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई कटिंग। अब हम अच्छी तरह से कपड़े को फैलाकर ऊपर की तरफ टीच कर लेंगे, ताकि प्लेट्स में कोई झोल ना पड़े, और ड्रेस की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है गाइस। देखिए गाइस, प्लेट्स लेना बहुत ही इजी तरीका है। उंगलियों की मदद से आसानी से हम प्लेट्स ले सकते हैं, और प्लेट्स लेने के बाद हम जब टीच करते हैं
थोड़ी प्लेट्स हम आगे की तरफ ले लेंगे और बीच बीच में इस तरह से नाप लेंगे ताकि हम लड्डू गोपाल जी के कमर के हिसाब से प्लेट्स ले सकें। तो देखिए मैंने 1.5 इंच के मार्क से प्लेट्स बना लिए है पूरी स्ट्रिप के। तो यहाँ पे मैंने कमर का नाप 6 इंच रखा है और एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से काट लिया है। अब हमने घेरे को उल्टा कर दिया है और यहाँ पे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर हमें इस स्ट्रिप को टीच करके यहाँ पे अटैच कर देना है। बहुत ही इजी और आसान तरीका है गाइस। घर पर हम इसको पानी से साफ करते हैं तो भी ये ख़राब नहीं होती है और लॉन्ग टाइम ये ड्रेस हम बाल गोपाल जी को पहना सकते हैं। अब हम घेरे को सीधा कर लेंगे और बीच में दोरी डाल देंगे। दोरी की लंबाई मैंने 12 इंच ली है। ये दोरी बाजार में कम खर्च में आसानी से मिल जाती है। मैंने स्टोन के, जेको मोती के, डल के मोती के ज्वेलरी और बाल गोपाल जी के ड्रेस भी बनाए। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम चोली बनाएंगे तो जितना हमें ज़रूरत है उतना ही मैं काटूंगी क्योंकि अभी मुझे इसमें से और एक ड्रेस बनाना है। तो ये हम इसकी चोली बनाएंगे तो इसकी लंबाई है 14 इंच और चौड़ाई इसकी 3.5 इंचिस है। अब हम इस तरह से ट्रिपल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक स्टिच कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से चोली बनके तैयार हो जाती है गाइस। सिर्फ हमें एक स्ट्रिप ही बनानी है और दोनों साइड मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है ताकि पूरा कवर सिलाई हो जाए। अब हम इसको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। आप चाहो तो चोली को अलग से भी रख सकते हो और ड्रेस के साथ जॉइंट भी कर सकते हैं। तो ये टीच मैंने 3 इंचिस की है। तो देखिए इसका कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब हम सेंटर में इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे टीच कर लेंगे। घेरे के साथ हम अटैच कर देंगे। आप चाहो तो अलग से भी रख सकते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा समर ड्रेस, नाइट ड्रेस बनके रेडी है। गाइस वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में वीडियो को जरूर शेयर करना। राधे राधे, हरे कृष्ण।